लेट्स स्टार्ट इन वे. मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए होता है तो आप लोग क्या करते हैं. सोचिए कि अगर आपको लाइफ में कोई गोल अचीव करना है या कुछ चाहिए आपको लाइफ में तो आप क्या करते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए तो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डाटा इकट्ठा करना चालू करते हैं कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए, कितने पैसे की गाड़ी चाहिए, कहाँ से चाहिए. करते हैं ना हम सब लोग ये लोग. एग्जैक्टली हम सब लोग वही करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग फाइनल कर लेते हैं कि हमको लाल कलर की गाड़ी चाहिए, इस कंपनी की गाड़ी चाहिए, इस मॉडल की गाड़ी चाहिए, इतने पैसे की चाहिए और तब चाहिए. कन्फर्म कन्फर्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर बताना चालू करते हैं. पहले हम कन्फर्म हो गए तो हम बार बार सोचते हैं कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को लाल गाड़ी चाहिए, इस कंपनी की चाहिए. उसके बाद हम अपने नियर एंड डियर वंस को बताते हैं कि हमको ये गाड़ी चाहिए. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, उसके बाद हम लोग अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी में बताना चालू करते हैं कि हमको ये गाड़ी चाहिए. तो हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अफर्म कर रहे होते हैं अपने आप को कि हमको वो गाड़ी चाहिए, और वो अफर्मेशंस हम अपने माइंड में डाल रहे होते हैं हर मोमेंट पे. हर मोमेंट में वो थॉट्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं, और कितने सारे थॉट्स वो दूसरे लोग भी हमसे बात करते हैं तो हमारे उसी चीज को अफर्म वो भी करते हैं, और वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं उन अफर्मेशंस के द्वारा. और उसके बाद क्या चीज होती है, वो जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं. उसके बाद क्या होता है कि आप जा रहे हैं सड़क पे, रेड लाइट पे, क्रॉसिंग पे आप रुके और आप देखते हैं कि आपके बाजू में एक गाड़ी आकर रुकी, और एग्जैक्टली वही गाड़ी थी जो गाड़ी आपको चाहिए थी. ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं समझता हूं आप में से भी काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा. उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपकी नजर एक होर्डिंग पे पड़ती है और वाओ, वहां पर भी आपको वही गाड़ी दिखाई देती है जो गाड़ी आपको चाहिए. तो ऐसा क्यों होता है वो मैं बाद में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे आगे भी कुछ चीजें होती हैं कि आपने एक मैगजीन उठाई और जो आपने पहला पेज टर्न किया वो गाड़ी वहां पर थी. नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी अमेजिंग थिंग्स होती हैं कि आप किसी पार्टी में गए और वहां पर कुछ लोग खड़े हैं और आप उनके पास जा रहे हैं, और जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो लोग भी उसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो गाड़ी आपको चाहिए. तो हाउ इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है. तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए होता है कि जिस दिन से हमने डिसाइड किया है, जब से हमने मन में ये आया कि हमको वो गाड़ी चाहिए, लाल कलर की गाड़ी चाहिए, तो वो चीजें अफर्म 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 होके हमारे माइंड में चली गई. और फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं. उसके बाद क्या होता है कि हमारा इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि ब्रेन वहां पे क्या होता है कि आपके पास वो चीज नहीं है और आप उस चीज को चाहते हो, नहीं है चाहिए, नहीं है चाहिए, तो वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पे स्ट्रक्चरल टेंशन क्रिएट होता है. बट योर ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता है कि आपको क्या चाहिए और वो स्ट्रक्चरल टेंशन किस लिए हो रहा है. तो वो क्या करता है कि आपका जो आरएस सिस्टम है, जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा सिस्टम होता है आपके ब्रेन में, उसको आरएस बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, और वो आपका जो इंटेलिजेंट ब्रेन है आपके आरएस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. अब आरएस सिस्टम करता क्या है, आरएस सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग लाइक ए एंटीना. तो वो जितने भी सिग्नल्स हैं आपको जो चाहते थे वो एनवायरनमेंट में भेजना चालू कर देता है, और
आरएएस का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि एट ए टाइम हमारे ब्रेन के पास 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, बट ये आरएएस के थ्रू वो सारी चीजें फिल्टर होती हैं और आपके कॉन्शियस में वही चीजें आती हैं, आपका ध्यान वहीं जाता है जो चीज आपको चाहिए। तो ये आरएएस का काम है और जो आपके अफर्मेशंस जो आप कर रहे हैं उसके थ्रू वो आरएएस एक्टिवेट हो गया और आपके लाइफ में वो सारी चीजें आने चालू हो गई। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक दो दिन में हो जाएं, लेकिन जब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी या जब तक आप उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ दोगे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और इस प्रोसेस के थ्रू साइंटिफिकली वो चीजें हमारे लाइफ में आना चालू हो जाती हैं। तो यहां पे मैंने बता दिया कि हाउ दिस अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे बताता हूं और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, देखेंगे ये चीज है। ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज, ये बरगद का फल है, बैनियन ट्री का फ्रूट है, इतना छोटा है और इस बैनियन ट्री का जो फ्रूट है इसके अंदर उसके सीड्स हैं, ठीक है। तो जो सीड्स हैं इसके अंदर बहुत छोटे हैं और कुछ सीड्स तो चींटी से भी छोटे हैं इस सीड के अंदर। तो अब आप देखिए कि ये चींटी से भी छोटा सीड एक 200 साल के बरगद का वृक्ष बनाने की क्षमता रखता है। इज इट नॉट ट्रू? आप लोग सब जानते हैं कि एक चींटी से भी छोटा सीड जो इसके अंदर है जिसको हम देखते हैं वो 200 साल तक का बरगद का वृक्ष बना सकता है, मतलब बीज से बरगद तक। तो ये जो आपके अफर्मेशंस हैं जो आप अफर्म करते हैं दे एक्ट लाइक ए सीड फॉर योर सक्सेस। तो जो भी आपको चाहिए, मैंने आपको साइंटिफिक प्रोसीजर बता दिया कि वो अफर्मेशंस जब आप करते हैं, अभी तक आप अननोइंगली कर रहे होंगे, अभी आपको पता चल गया तो आप अपने अफर्मेशंस बना के उनको नोइंगली अपने लाइफ में कर सकते हैं और सक्सेस का ट्री ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अफर्मेशन क्या होते हैं और उनको हम अपने लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। तो अफर्मेशंस माय डियर फ्रेंड्स आर रिपीटेड थॉट्स। तो जो भी हमारे सेल्फ टॉक्स हैं, इनर टॉक्स हैं, या जो रिपीटेड थॉट्स हैं, जो हमारे वर्ड्स और फीलिंग्स को मिला के बनते हैं, वो होते हैं अफर्मेशंस। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि इमोशंस और फीलिंग्स के साथ जो हम रिपीटेड वर्ड्स बोलते हैं या अपने मन में दोहराते हैं वो होते हैं अफर्मेशंस। तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्रेयर्स। तो जब हम प्रेयर्स करते हैं तो हम रिपीटेड वर्ड्स फीलिंग्स के साथ करते हैं एंड दे आर लाइक द अफर्मेशंस। अब अफर्मेशंस दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस होते हैं। एक अफर्मेशंस होते हैं जनरल अफर्मेशंस और एक अफर्मेशन होता है गोल स्पेसिफिक अफर्मेशंस। तो जो जनरल अफर्मेशंस होते हैं वो सबके लिए होते हैं, सर्वमान्य, मतलब उसको कोई भी बोल सकता है, उसकी ताकत वही है, वो सबको वही चीज मिलेगी बोलने से। जैसे इसका एक एग्जांपल है जनरल अफर्मेशन का, आई एम अबंडेंट इन एवरी वे। ओके, जनरल अफर्मेशन है कि आई एम अबंडेंट इन एवरी वे, मतलब मैं हर तरीके से समृद्ध हूं। तो वो मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, वो जनरल अफर्मेशन है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो है गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन का, वो होता है कि आपके पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड जो अफर्मेशन होते हैं, भाई आपका गोल गाड़ी लेना है, सर का गोल मकान लेना है, किसी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, किसी को एक बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द अवार्ड चाहिए अपने कंपनी से, तो मैं वही ले लेता हूं कि गोल स्पेसिफिक अगर किसी का गोल है तो वो उसका अफर्मेशन होगा, वो उसके लिए काम करेगा, आपका अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो वो अफर्मेशंस, जैसे कि उसका एग्जांपल मैं आप दे रहा हूं गोल स्पेसिफिक, कि वो अफर्मेशन ये हो सकता है अगर किसी को बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द अवार्ड चाहिए कि आई एम थैंकफुल एंड डिलाइटेड फॉर गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड ऑफ माई कंपनी। तो वो जो गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर आदमी का है
और उसको वो जब अफर्म करेगा तो उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे और उसको अपनी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि अफर्मेशंस कैसे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अफर्मेशंस यूज़ कैसे करने हैं आप लोगों को। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अफर्मेशंस यूज़ करने के लिए। पहला तरीका ये है जो कारगर है, मैं लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, सब आदमी जाते हैं ना बाथरूम में नहाने के लिए, तो जब आप शावर करते हो उसके बाद टॉवल करने के बाद एक मिनट के लिए आप वो अफर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम यू आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर बॉडी। आप उस टाइम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हो एंड मेंटली भी यू आर इन द कूल एंड काम पोजिशन। आपके सामने दुनिया भर के कोई झंझट नहीं होते, कोई आदमी आपके सामने नहीं होता, तो मेंटली एंड फिजिकली यू आर कंपोज्ड कूल एंड प्योरेस्ट फॉर्म। तो उस टाइम पे आप ये जो भी आपका अफर्मेशन है आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको भी रिपीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बनाना है और यहाँ पे हार्ट पे लाना है और आपको बोलना है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मुझे अपने आप को रोकना नहीं है, मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, यस आई कैन एंड आई विल। तो ये अफर्मेशन आपको करना है डेली बेसिस पे जब भी आप बाथरूम में, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी पावरफुल। अब जिन लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो उससे आसान मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? तो उसको भी आप कर सकते हैं और उनका रिजल्ट्स वैसे ही मिलेगा जैसे इसका मिलेगा। वो इस तरीके से है कि यदि आपको जो भी कुछ चाहिए, सपोज आपको गाड़ी चाहिए या किसी को मकान चाहिए या किसी को फॉरेन टूर पे जाना है, तो आप अपना अफर्मेशंस बनाइए अपने वर्ड्स एंड फीलिंग्स के साथ। अफर्मेशंस ऐसे बनाएंगे कि वो चीज़ आपके लाइफ में हो चुकी है और उस टाइम जो आपको फीलिंग्स आ रहे हैं उस फीलिंग्स तक आपको पहुंचना है, ठीक है? और वो कैसे होगा वो फीलिंग्स, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका कि सपोज आपने कहीं पे कोई भी गाड़ी देखी, सुबह से शाम तक आप अभी नोटिस करेंगे 10 20 50 100 गाड़ी भी देख सकते हैं, जो जैसे भी आप कोई गाड़ी देखें तो आपको जो गाड़ी या जो आपका अफर्मेशन है आप या तो जोर से बोल के या अपने मन में उसको अफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि जाने अनजाने में छोटा सा स्टेप लेके जितनी भी गाड़ी आप दिन में देखेंगे तो आपको स्पेसिफिक टाइम सुबह या शाम बैठने का जरूरत नहीं है, बट वो अफर्मेशन सिस्टम में चालू हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स आपके लाइफ में आने चालू हो जाएंगे। मकान किसी को चाहिए तो आप कोई भी मकान देखते हैं रास्ते में कहीं भी जाते हैं तो आप अपना अफर्मेशन, जो मकान जैसा मकान आपको चाहिए आप उसके बारे में अफर्मेशन करिए और वो जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, जो साइंटिफिक प्रोसेस है, वो चालू हो जाएगा। तो माई डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों के आपके सक्सेस के सीड्स दे दिए हैं, अब आप लोग उन सीड से अपना सक्सेस का ट्री बनाइए। थैंक यू।